Hi my sweet children, I am Aisha Miss. So now I will start EVS 4th lesson. So please all of you listen here. Lesson number 4, we are for you. इसका मतलब ये है कि हम सब तुम्हारे लिए हैं. क्या सब? देखिए जो अभी हमें नीचे स्टडी करना है वो कह रहे हैं कि हम सब तुम्हारे लिए हैं. वी आर फॉर यू. आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू, इस लेसन स्टडी के बाद आइडेंटिफाई आवर डिपेंडेंसी ऑन प्लांट्स फॉर आवर डेली नीड्स. जो जिस पेड़ पे हमें हम सब डिपेंड हैं डेली वो हमें नहीं मिला तो हम हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकते. यानी कि जरूरी है, जीने के लिए जरूरी है. कई पेड़ कई प्लांट्स हमें जीने के लिए जरूरी हैं डेली. ओके, ऑब्जर्व द पिक्चर. ऑब्जर्व दिस पिक्चर. व्हाट प्लांट दिस? दिस इज अ कोकोनट प्लांट्स. ओके, व्हाट से दिस प्लांट? लिसन हियर, माय फ्रूट इज वेरी टेस्टी. क्या बोलता है ये पेड़, यानी कि कोकोनट नारियल का पेड़ क्या बोलता है? माय फ्रूट इज वेरी टेस्टी. जो मेरे फल है बहुत टेस्ट है. माय टेंडर वाटर सो स्वीट. इसके अंदर का जो पानी है, मेरे फ्रूट्स के अंदर का जो पानी है वो बहुत स्वीट है. ड्राई लीव्स कैन लाइट अ फायर. अगर मेरे सूखे हुए पत्ते जलन के लिए, फायर आंच के लिए या चूल्हे के लिए यूज है, लाइट अ फायर. द स्टिक्स ऑफ लीव्स मेक अ ब्रूम. जो इसके काड़ियां हैं, स्टिक्स हैं, ये इनके काड़ियां झाड़ू के, इनका झाड़ू देखे हैं तुम, नारियल का झाड़ू मालूम है तुम्हें, तो मेरे काड़ियों से तुम क्या बना सकते हो? काड़ियां और मेरे लीव्स से मेक अ ब्रूम. मेरे जो पत्तों के काड़ी, जो पत्ता रहता लंबा उसके बीचों बीच जो रहता है वो काड़ी सूखने के बाद उसे हम क्या बनाते हैं? ब्रूम यानी कि झाड़ू बनाते हैं. माय हस्क यानी कि छिलका, छिट्टा, कैन मेक अ मैट. मेरे छिट्टे रहते हैं, देखना तुम्हें, देखो ध्यान से, उससे क्या बनता है? मैट. सो मैट मालूम है ना तुम्हें, जो द्वार प्रवेश के द्वार में ही, यानी कि प्रवेश द्वार में ही हम बाहर से आए तो हमारा पैर राड़ा हुआ हो, कुछ भी हो, तो पहले हम मैट पे पैर रख के, अगर गंदा राड़ा कुछ तो हमारे पैर पे लगा हुआ तो हम उधर अपना पैर साफ करके मैट पे वापस अंदर आ सकते हैं, इसलिए हम मैट यूज करते हैं. एंड द रेस्ट कैन मेक अ रोप. और इससे क्या बनता है? रोप, धागा. इसके जो इनके छिट्टे से धागा भी बनता है, जो नारियल के, देखो तुम नारियल छिलते समय जो तुम्हें छिलका मिलता है उन सब काड़ियों से एक आपस में मिला जुला के क्या करते हैं? हम रोप बनाते हैं यानी कि धागा. सो कह रहा है, इतना सब अपना पहचान बोलते हुए एक नारियल का पेड़ तुम्हें क्वेश्चन करता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ. तुम्हें क्या बोलना है? यू आर अ कोकोनट ट्री. ओके, लुक हियर, दिस इज अ रोप एंड कोकोनट मैट एंड ब्रूम. ओके, व्हाट डज द कोकोनट ट्री गिव? थिंक एंड राइट. कोकोनट ट्री गिव, क्या क्या देते हैं हमें नारियल का पेड़, क्या क्या देता है हमें नारियल के पेड़ से, क्या मिलता है वो हम क्या करना है? इधर लिखना है, टेंडर वाटर, लाइट फायर, ब्रूम मैट, फ्रूट रोप, फ्रूट एंड रोप. नॉट अ सेम. फ्रूट इज वन आइटम एंड रोप इज वन सेकेंड वन आइटम. सो ऑयल, स्वीट्स, ब्रूम, स्टिक्स, इसे हम छड़ी बना सकते हैं, ब्रूम से ब्रूम बना सकते हैं, स्वीट्स कई खोपरे के वड़िया भी बना सकते हैं, ऑयल भी बनता है, इससे वाटर भी मिलता है, टेंडर वाटर, लाइट फायर जलन के लिए यूज है, ब्रूम झाड़ू बना सकते हैं, मैट बना सकते हैं, फ्रूट मिलता है और धागा भी बना सकते हैं, रोप. ओके ओके, लिसन हियर. अब हम तो देखिए नारियल का सब इतना पहचान नारियल के पेड़ से, ये जरूरत है हमें,
हम बिना झाड़ू के नहीं रह सकते, बिना नारियल के नहीं रह सकते, और बिना ब्रूम के भी नहीं रह सकते, बिना मैट के भी हम नहीं रह सकते। तो हमें ये डेली जरूरी है। ये सब मिलता किन के जरिए मिलता है? प्लांट के जरिए हमें ये सब मिलता है। ओके, देयर साइड, व्हाट इज दिस ट्री? दिस इज अ बनाना ट्री। तुम्हें देखने से मालूम होता है ये बनाना ट्री है ना? बनाना ट्री का क्या यूज है? देखिए, बनाना ट्री भी हम केला बिना कुछ फंक्शन नहीं कर सकते। ओके, देखिए, टेस्टी टेस्टी फ्रूट, टेस्टी टेस्टी फ्रूट, द रॉ इज कुक्ड, जो केला कच्चा रहता है उन्हें पका भी सकते हैं। ल्यूस यूज्ड फॉर मील्स, खाने के लिए इसका पत्ता, इसके पत्ते ब्राह्मीन लोग इन पत्तों में ही खाना खाते हैं, वो एक टेस्ट अच्छा रहता। देखो, तुम खा के आजमाइश के देख सकते हो कि इन पत्तों में जो खाना हम खाते हैं उनका टेस्ट, और जो प्लेट में मिलता है प्लेट में हम खाते हैं उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंस रहता। सो एंड फाइबर फॉर क्लोथ्स, इसका जो क्या ये रंभे, ये जो बड्डा कहता है ना, इससे हम क्या बनाते हैं? क्लोथ्स, यानी कि बट्टा, कपड़ा हम बना सकते हैं। तो फिर हु एम आई? बनाना ट्रीज तुम्हें पूछ रहा है, मेरे टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स हैं, द रॉ इज कुक्ड, ल्यूज यूज्ड फॉर मील्स एंड फाइबर फॉर क्लोथ्स, बट हु एम आई? लेकिन इतना सब मुझसे मिलता है, लेकिन मैं कौन हूँ? यू आर अ बनाना ट्रीज। ओके, यू आर अ बनाना ट्रीज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द प्लांट इन द अबो पिक्चर, जो पिक्चर में है उन प्लांट के नेम तुम लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्लांट्स, इन प्लांट से हमें क्या जानकारी मिलता है? क्या जानकारी मिलता है इन पेड़ों से? फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्लांट इन द अबो पिक्चर, कोकोनट प्लांट एंड बनाना प्लांट। सेकेंड वन अबाउट यू, सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्लांट्स, इन पेड़ों से हमें क्या जानकारी मिलता है? सो अबाउट यूजेस दिस प्लांट्स, ए किस किस के लिए यूज आते हैं इनका जानकारी हमें मिलता है। अबाउट यूजेस दिस प्लांट्स, इस प्लांट से हमें क्या यूज है, इसका एडवांटेज हमें इसे मिलता है। ओके, से द नेम ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स ट्रीज, अभी तुम क्या करना है, बोलना है, बोलो अभी आने, कई पेड़ों के नाम तुम्हें, कई प्लांट्स के नाम तुम्हें मालूम रहता। से द नेम्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स ट्रीज, अलग अलग फ्रूट के जो ट्रीज हैं, अभी बनाना ट्रीज, मैंगो ट्रीज, ब्रिंजल ट्रीज एंड पम्पकिन ट्रीज, ऑरेंज ट्रीज, इस तरह हम क्या भी प्लांट्स का नाम बोलना है बोले तो वो प्लांट से हमें जो जो फल मिलता है वो फल के नाम से ही हम उस पेड़ को बुला सकते हैं, है ना? ओके, आस्क एंड नाउ द नेम्स ऑफ द प्लांट्स हूज लीव्स आर यूज्ड टू सर्व फूड, खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, जो बोलो तुम्हें कई पत्तों के यानी कि प्लांट्स के नेम्स बोलो जो उनका पत्ता भी यूज है और वो खाने को भी यूज है, इस तरह के कई प्लांट्स के नाम तुम बताओ। वी गेट लीव्स फ्रूट्स फायरवुड एंड कॉयर ईटीसी फ्रॉम प्लांट्स, फिर कई कई पत्ता यूज है उनका, जो फ्रूट यूज है उनका, हर एक पेड़ का हमें यूज ही है, कभी वेस्ट नहीं होता, कौन सा भी पेड़ कभी भी वेस्ट नहीं। आखिर उससे हम फ्रूट भी नहीं ले सके, मिल सकता, आखिर उससे हम लूज भी उसका हमें यूज नहीं, तो वो जलन के लिए, चूल्हे के लिए, आंच के लिए, फायर के लिए यूज है ही, हो ही होएगा, हो के ही रहेगा। सो प्लांट इज वेरी यूज फॉर अवर लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल्स लाइफ। ओके, तो हम अगले का जो है कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, तुम घर में सब दोबारा या तीन बार बारह बार पढ़ते रहिए, और जानकारी इसके इसमें जो भरे हुए आंसर्स वो भी याद करते रहिए। ओके, बाय।